गुड मॉर्निंग जी और अस्सलाम वालेकुम। आज है day 3 और मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपने होटल के बाहर और ये है मनीला हाइट्स एज आई टोल्ड यू। और अब हमारा प्लान आगे का है बाबूसा टॉप का और देखना भी ये है कि वहाँ तक रास्ते कैसे हैं, क्योंकि हमें सुनने में ये आया था लास्ट नाइट के वहाँ पे रास्ते खुल चुके हैं। तो अब वहाँ पे जो रास्ते खुल चुके हैं अब उनको भी देखते हैं कि वहाँ पे रास्ते खुलों का क्या सीन चल रहा है और क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच पाते। और अब आपको मैं बैकग्राउंड भी दिखाता हूँ, व्यूज़ हैं। और अब हम लोग निकलेंगे नरान से टावर टू बाबूसा टॉप। कैसा लग रहा है आपको फिर ये? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा भाई। ये बंदा 12 साल बाद आया, इनके लिए तो ये दुनिया ही लग गया। और ये इस टाइम जी बाबूसा टॉप जाते हुए रास्ते में ये सारा व्यूज आते हैं। और ये हम लोग यहाँ पर ये नीचे दरिया किनहार जा रहा है और वो सामने लोगों के घर भी बने छोटे छोटे, आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ले जी अब निकलते हैं आगे नरान। सुनने में ये भी है कि रास्ते बंद है और कि नहीं है, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो चलो चलते हैं, मोबाइल पड़ा। बाटा कुंडी एंड ये एक शहर है, छोटा सा शहर इलाका है जब आप जाते हैं लालूसर लेक की तरफ या बाबूसर टॉप की तरफ। और यहाँ पे एक आबशार सी बह रही है, इसमें से हमने भी गाड़ियाँ भी निकाली जो आपने देखी होंगी, तो आपको मैं दिखाता हूँ पानी का प्रेशर कैसा है। ये पानी कहाँ देखते हैं, ये सामने पहाड़ है और आई थिंक ये बाबूसर टॉप के हैं या कहीं के हैं उस साइड के। तो ये यहाँ से ग्लेशियर जो उनसे मेल्ट हो रहे हैं, तो ये सारा उनका पानी यहाँ पर बन के ये सारा जा रहा है।
अभी हमारे एक बाइकर है, लेट्स सी कि ये क्या गुजरते हैं और कैसे गुजरते हैं। नाइस डिसीजन, बहुत अच्छा फैसला था और अच्छा फैसला किया है इन्होंने और जा ही रहे हैं। सफ़रों के साथ, रास्तों के साथ हम लोग इस टाइम अपनी मंजिल पे मौजूद हैं जिसको लुलूसर लेक कहा जाता है। ये बाबूसर टॉप से अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर पीछे है और ये खूबसूरत पॉइंट है आपके बैठने के लिए, एन्वायरमेंट के लिए। और अब हम आपको दिखाते हैं लुलूसर लेक। ये था जी हमारा आज का सफ़र फ्रॉम फैसलाबाद मरी हिल्स और उसके बाद मानसरा एबटाबाद और सारे जो एरियाज आप देखते आए हैं। और आप हम थे लुलूसर लेक पे, प्लान था बाबूसर का लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रास्ते बंद थे। और ये आज का मेरा एक फ़र्स्ट ट्रैवल ब्लॉग था और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने यहाँ पे ड्राइव किया और ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया। और ये जो सफ़र का मेरा क्रेडिट जाता है ना, वो इस बंदे को जाता है कि जनाब इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मैं मरी से ही घर निकल गया। और अब इंशाल्लाह ताला हमारी वापसी होगी फैसलाबाद के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मेरी बड़ी मेहनत हुई है, तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और कोई बात करना चाहे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।